शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। हजारीबाग सदर SDO मेघा भारद्वाज के नेतृत्व में शुक्रवार को शहर के गोला चौक से कई दुकानों में छापेमारी की गई। गोला चौक स्थित गुड्डू स्टोर से 420 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग जब्त किया गया। इस दुकान पर 50,000 रुपये का फाइन वसूला गया। साथ ही हिदायत दी गई कि भविष्य में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग नहीं किया जाए। SDO ने गोला रोड में मेसर्स गुप्ता पैकिंग इंटरप्राइजेज में भी छापेमारी की। यहां 48 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग बरामद किया गया। इस दुकान पर 20,000 रुपये का भी फाइन काटा गया। SDO मेघा भारद्वाज ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग समाप्त करें, यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से घातक है, इसका जनजीवन पर व्यापक दुष्परिणाम पड़ता है, लगातार इसके इस्तेमाल की सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, सदर CO राजेंद्र प्रसाद सिंह सहित पुलिस बल के जवान मौजूद थे। आपको बताते चले कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ने प्रण किया है कि पर्यावरण को बचाना है और पॉलिथीन मुक्त राज्य बनाना है। हाँ बिल्कुल, अभी भी रेगुलरली भी नगर निगम के द्वारा जो है रोज़ फाइन कलेक्शन किया जा रहा है, बट फाइन कलेक्शन इसका टोटल सलूशन नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि जब वो सामान लेने आते हैं तो घर से बैग लेकर आएँ, कपड़े का या जूट का जो डिकम्पोजेबल है उसको लेकर आएँ। ये मतलब इतनी जागरूकता हर किसी में है कि प्लास्टिक डिकम्पोजेबल है, तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, और नहीं आप करेंगे तो पॉल्यूशन कल को फैलेगा, आप ही बुरा।